इस खूबसूरत सुबह में मैं डाइट एंड न्यूट्रिशन कंसल्टेंट पल्लवी जैसल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ लिव लाइफ मोर शो में, जिसे आप सुनते हैं हर गुरुवार सुबह 10:05 पर ऑल इंडिया रेडियो चंडीगढ़ एफएम पर। और ये शो आप तक लाया जाता है फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के सहयोग से। जिंदगी में हम बहुत कुछ करना चाहते हैं और जैसे कि त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है, बहुत से ऐसे काम हैं जो हम साल भर के लिए इस टाइम तक पोस्टपोन करके रखते हैं। खुशियों के इस माहौल में जरा सोचिए, अगर आप कंधे के दर्द से या गर्दन के दर्द से परेशान हो तो क्या आप इन त्योहारों का आनंद उठा सकते हैं? इसी सीजन की बात ही हम नहीं कर रहे दोस्तों, जिंदगी में अगर बॉडी में अगर कहीं पर भी दर्द हो, पेन हो, तो जिंदगी का मजा अधूरा रह जाता है। और आजकल जैसा कि हमारा सिडेंट्री लाइफस्टाइल चल रहा है, फिजिकल एक्टिविटी कम है या गलत पोस्चर है, तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आम तौर पर हमारे कंधे और हमारी गर्दन में होती ही रहती हैं। तो आपके इन समस्याओं का निवारण करने के लिए दोस्तों, हमने आज स्टूडियो में आमंत्रित किया है एक विशेषज्ञ को जो स्पेशलाइज करते हैं नी और शोल्डर सर्जरीज में। तो आइए मिलके हम स्वागत करें डॉक्टर मनीष बंसल का, जो एक जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन है और स्पेशलाइज करते हैं आर्थ्रोस्कोपी और स्पोर्ट्स इंजरीज में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका आज के लिव लाइफ मोर शो में। नमस्कार पल्लवी, और सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, इस वक्त बहुत से लोग जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं वो शायद कंधे या गर्दन के दर्द से परेशान हैं। तो डॉक्टर साहब, आप इस तरह के पेशेंट्स आम तौर पर देखते हैं जो इन प्रॉब्लम्स को लेकर आपके पास आते हैं, तो आप अपने प्रैक्टिस में किस तरह के कॉमन प्रॉब्लम्स देखते हैं पेशेंट्स में? पल्लवी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मेरी प्रैक्टिस में बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको लगता है कि प्रॉब्लम उनकी गर्दन में है, जबकि एग्जामिनेशन करके या उनसे बात करके हमें पता लगता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम उनके शोल्डर में है। तो पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप ये है कि पहले हम ये पता लगाएं कि प्रॉब्लम गर्दन में है कि शोल्डर में है, क्योंकि इनके सिम्टम्स बहुत बार एक जैसे से लगते हैं। एक बार आपने ये तय कर लिया कि प्रॉब्लम गर्दन में नहीं शोल्डर में है, तो पूरी शोल्डर की हिस्ट्री, उनकी कब से प्रॉब्लम शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, किस एज ग्रुप में पेशेंट हैं और ये प्रॉब्लम कैसे बढ़ी, उसके बेसिस पे हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि शोल्डर में किस तरह की प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर साहब, ये डिफरेंशिएट करना बेहद ज़रूरी है, जैसा कि आपने कहा कि जो प्रॉब्लम है वो शोल्डर में है या आपकी गर्दन में है, किस तरह से आप जनरली डिफरेंशिएट करते हैं अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से या टेस्ट की सहायता से कि प्रॉब्लम की जड़ कहाँ पर है? पल्लवी, आपने ये सही कहा कि इसमें क्लिनिकल स्किल बहुत ज़रूरी है कि प्रॉब्लम को हम पहले लोकेट करें कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। इसके लिए हम कुछ गर्दन के टेस्ट करते हैं, जैसे गर्दन की मूवमेंट्स और पेन टच करके पता करने की कोशिश करते हैं कि पेन गर्दन के ऊपर है कि शोल्डर के ऊपर है। फिर शोल्डर के कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं जिसमें हम शोल्डर की मूवमेंट्स करके देखते हैं, शोल्डर के मसल्स को टेस्ट करते हैं, और कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं जिसकी सहायता से हम ये बता सकते हैं कि प्रॉब्लम गर्दन में है कि शोल्डर में है। उसके बाद फिर कुछ टेस्ट होते हैं जैसे एक्सरे और MRI की जरूरत पड़ सकती है कंफर्म करने के लिए कि प्रॉब्लम कहाँ है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा स्पेशलाइज्ड टेस्ट होते हैं जिनसे हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, लेकिन डॉक्टर साहब, बहुत बार देखने में आता है कि अगर किसी को कंधे या गर्दन में प्रॉब्लम होती है तो वो बोलते हैं कि हमें फ्रोजन शोल्डर है या फिर सर्वाइकल की समस्या है, और कई बार तो अपने आप ही ये डायग्नोस बना लेते हैं कि कंधा उतरा हुआ है और कंधे को चढ़वाने जाना है, जो कि पेशेंट के लिए बहुत खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, आप एक स्पेशलिस्ट हैं इस फील्ड में और आप स्पेशलाइज करते हैं आर्थ्रोस्कोपी और स्पोर्ट्स इंजरीज में, और बहुत से ऐसी प्रॉब्लम्स आप रोज देखते हैं अपनी प्रैक्टिस में, तो आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स है गर्दन और कंधे की, उससे फ्रोजन शोल्डर कैसे डिफरेंट है? पल्लवी, अनफॉर्चुनेटली आजकल हर कंधे की प्रॉब्लम को फ्रोजन शोल्डर बोल दिया जाता है, जो कि सही नहीं है। फ्रोजन शोल्डर एक ऐसा रोग है जो कि मेरे ख्याल से केवल 10-15% लोगों में होता है। फ्रोजन शोल्डर जनरली
50 की उम्र के आसपास होता है। जनरली इन लोगों कोई हिस्ट्री में डायबिटीज या थायराइड की प्रॉब्लम रहती है। लेडीज में ये ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है। फ्रोजन शोल्डर कंडीशन, जैसा कि नाम ही कहता है कि कंधा जाम हो जाता है, इसमें शोल्डर की सारी मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, कम हो जाती हैं और पेनफुल हो जाती हैं। लेकिन मैं फिर से ये दोहराना चाहूँगा कि फ्रोजन शोल्डर सिर्फ 10-15% लोगों में होता है। बाकी लोगों में जिनको कि फ्रोजन शोल्डर लेबल किया जाता है, एक्चुअली प्रॉब्लम कहीं और होती है। तो दोस्तों, कंधे की हर प्रॉब्लम फ्रोजन शोल्डर नहीं होती, जैसा कि डॉक्टर मनीष ने अभी हमें बताया। तो डॉक्टर साहब, फ्रोजन शोल्डर के अलावा और किस तरह की प्रॉब्लम्स लेकर पेशेंट्स आपके पास आते हैं, जिनका इलाज अगर समय पर ना किया जाए तो वो परमानेंट डिसेबिलिटी भी पेशेंट्स में ला सकता है? पल्लवी, मोटे तौर पर मैं शोल्डर्स की बीमारियों को एज के हिसाब से डिवाइड करना चाहूँगा। यंग पेशेंट्स, जनरली 20-25-30 साल की उम्र तक पेशेंट्स जो आते हैं, उनमें सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है रिकरेंट डिसलोकेशन शोल्डर, जिसमें कंधा बार बार उतर जाता है। कंधा एक बहुत अनस्टेबल जॉइंट है और बार बार उतरने का खतरा इसमें रहता है। फिर आ जाता है मिडिल एज प्रॉब्लम, जिसमें शोल्डर में सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है इम्पिंजमेंट, जिसमें दो हड्डियाँ आपस में रगड़ खाने की वजह से मांसपेशियाँ बीच में फंसने से मांसपेशियों में सूजन आ जाती है। ये प्रॉब्लम देखी जाती है जनरली 30-50 साल की उम्र में। 50 साल के बाद प्रॉब्लम शुरू होती है या तो फ्रोजन शोल्डर की, या शोल्डर के अंदर मांसपेशियां होती हैं जो कि फटना शुरू हो जाती हैं, जिसे रोटेटर कफ टेयर कहते हैं, और लास्ट में 60-65 के आसपास आर्थराइटिस की प्रॉब्लम आती है। डॉक्टर साहब, आपने अभी जिक्र किया रिकरेंट डिसलोकेशन का और कफ टियर का, और डॉक्टर साहब ये जो इंजरीज है आमतौर पर ये स्पोर्ट्स पर्सन्स में देखने में आते, और स्पोर्ट्स पर्सन्स का करियर ही उनकी मूवमेंट पर डिपेंड करता है। तो डॉक्टर साहब, इस बारे में हम चाहेंगे कि आप हमारे लिसनर्स को बताइए, ताकि अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं तो उसका सही इलाज करवाएं और पेन के बजाय अपने करियर पर वो कॉन्सेंट्रेट कर सकें। पल्लवी, रिकरेंट डिसलोकेशन आमतौर पर स्पोर्ट्स पर्सन में देखी जाती है, लेकिन ये आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी काफ़ी कॉमनली देखने को मिलती है। एक बार कंधा उतरना शुरू हो जाए तो बार बार उतरने का खतरा रहता है। ऐसे पेशेंट्स को रोज़मर्रा की हर एक्टिविटी करते हुए डर रहता है कि कंधा बाहर आ जाएगा। इसकी वजह से उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल हो जाती है। लेकिन आज की डेट में रिकरेंट डिसलोकेशन का बहुत बढ़िया से इलाज किया जा सकता है। इसका इलाज दो तरीके से होता है, ये डिपेंड करेगा कि उनके MRI में क्या फाइंडिंग्स हैं। दूरबीन से हम फटी हुई झिल्ली को बढ़िया से वापस जोड़ सकते हैं और इन पेशेंट्स को बाद में प्रॉब्लम नहीं आती है। या अगर हड्डी अंदर की हड्डी टूट गई है तो फिर उसका ओपन सर्जरी से भी इलाज किया जा सकता है। बहुत सारे ये पेशेंट्स अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ पर वापस जा पाते हैं और नॉर्मल ज़िंदगी बिता पाते हैं। दूसरी प्रॉब्लम जो कॉमनली देखी गई है, जो कि रिलेटिवली ओल्डर एज ग्रुप में आती है 50 के आसपास, वो होता है कंधे की मांसपेशियां फट जाना, जिसे हम रोटेटर कफ टियर कहते हैं। ये चोट की वजह से भी हो सकती है, लेकिन जनरली बड़ी उम्र में ये डीजनरेटिव यानी उम्र की वजह से होती है। अगर मांसपेशियां फट जाएं तो कंधा ऊपर उठाने में दिक्कत होती है, और उसका इलाज भी दूरबीन के जरिए किया जा सकता है और इन मांसपेशियों को वापस जोड़ा जा सकता है। हमारे बहुत फेमस एक्टर हैं शाहरुख खान, जिनके बारे में सब जानते हैं। श्री शाहरुख खान जी की यही सर्जरी रोटेटर कफ टेयर हुआ था लगभग 1.5 साल पहले, जिसका बहुत सक्सेसफुल इलाज उन्होंने ऑपरेशन के थ्रू कराया और वो बैक टू नॉर्मल हैं अब, और सारी अपनी मूवीज की पिक्चराइजेशन खुद ही कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत ही मोटिवेटिंग बात हमारे श्रोताओं को बताई है कि अगर हमारे फेमस मूवी एक्टर्स, जिनको कि इतना इंटेंस वर्कआउट करना पड़ता है, इतनी मूवमेंट करनी पड़ती है, डांस करना पड़ता है, एक्टिंग करनी पड़ती है, वो अगर इतनी इंटेंस एक्टिविटी के साथ अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकते हैं, तो स्पोर्ट्स इंजरीज का ट्रीटमेंट आजकल आ गया है, इतनी एडवांसमेंट हुई है, इससे नॉर्मल लाइफ बिताना संभव है। तो डॉक्टर साहब, आपने शोल्डर डिसलोकेशन और कफ टियर के बारे में आपसे जाना, तो अब अगर हम आर्थराइटिस के बारे में यानी गठिये के बारे में आपसे ना पूछें तो शायद हमारी वार्ता अधूरी रह जाएगी। तो डॉक्टर साहब, आर्थराइटिस एक डीजनरेटिव डिजीज़ है, ये उम्र के साथ सबको होना ही है, तो इसको हम बाकी इंजरीज के साथ या बाकी पेन्स के साथ कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और इसका इलाज क्या है? कंधे में आर्थराइटिस होना बिल्कुल उसी तरह है जैसे हिप में या नी में आर्थराइटिस होना है। ये दो वजह से होता है, या तो उम्र की वजह से
या रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से हो सकता है। इसमें जोड़ की सरफेस ख़राब हो जाती है और धीरे धीरे पेशेंट की मूवमेंट्स कम हो जाती हैं और पेनफुल हो जाती हैं। इसको डायग्नोज करने के लिए एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को से मिलना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपका शोल्डर टेस्ट करेंगे और उसके बाद एक्सरे और जो भी टेस्ट की ज़रूरत लगेगी वो करवाएंगे। अगर आपको आर्थराइटिस है और इससे आपका पेन इतना ज़्यादा है कि आपकी ज़िंदगी उथल पुथल हो गई है, तो फिर हम इसका शोल्डर रिप्लेसमेंट से सक्सेसफुल इलाज कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में बात आती है तो हमारे जहन में आम तौर पर नी रिप्लेसमेंट की बात ही आती है, लेकिन जैसा कि डॉक्टर मनीष बंसल, जो कि एक जाने माने शोल्डर सर्जन है, उन्होंने हमें बताया कि शोल्डर की सर्जरी भी की जा सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको आपके कंधे में कोई समस्या है तो उसे नज़रअंदाज ना करें और एक स्पेशलिस्ट को दिखाएं, जिससे कि सही बीमारी पकड़ में आए और उसका सही इलाज किया जा सके। तो डॉक्टर साहब, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को देने के लिए हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। और आज का प्रोग्राम सुनने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे श्रोता एक पेन फ्री लाइफ, खास तौर पर एक पेन फ्री शोल्डर को जरूर इंजॉय कर सकेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पल्लवी। हर दर्द को मिटाए, सारे रोग दूर भगाए, सेवा करे, मुस्कान लाए, दुनिया बेहतर बनाए। So friends, that's all we have for you on today's Live Life More show. आज के विषय पर अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8558990545। जी हाँ, 8558990545। इस प्रोग्राम को ऑनलाइन सुनने के लिए लॉगिन कीजिए livelifemore.com या facebook.com/livelifemoreofficial पर। So friends, till we meet again, take care and live life more. This program is conceptualized by Dr. Sandeep Jassal.